हेलो, कैसे हैं आप सब? जय श्री राम। और आपको भी जय श्री राम। गेम कुछ ऐसा है, अब बहुत बहुत समय बाद फिर से एक स्टोरी वीडियो। स्टोरी किस चीज़ की? वो मैंने अपने पीसी टूर वाले वीडियो में कहा था, कभी मिलके हम बात करेंगे बिहाइंड द स्टोरी ऑफ दिस कंप्यूटर। तो उसी की स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो ये है, ये जुगाड़ है। क्रिएटिविटी तो रगों में ही। ये पेन और पेन की कैप पे मैंने कॉलर वायर्ड माइक को लगा दिया है। ओके, लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो कहानी है उस लड़के की जो कि क्लास 8 से क्लास 9 में जाने वाला है। मतलब उसने एग्ज़ाम दिया है और अब वो 9 में जाने वाला है। और बात है 2017 की। उससे कुछ समय पहले उन्होंने अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन लिया था, सैमसंग गैलेक्सी J26 गोल्डन कलर का। और तभी उसको यूट्यूब के बारे में मालूम पड़ा और फिर अब वो यूट्यूब में ही लग गया। उसको यूट्यूबर बनने का ख्वाब है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है। और तभी से वो वीडियो प्रोडक्शन में लग गया, कॉन्टेंट क्रिएशन में लग गया। और धीरे धीरे वो कॉन्टेंट क्रिएशन यूट्यूब उसकी हॉबी बनी। और धीरे धीरे उसको उससे प्यार हो गया, उसका पैसन हो गया। अब काफ़ी समय से काफ़ी सारी फिल्में देखने के बाद और बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखने के बाद उसे फिल्म मेकिंग का चस्का चढ़ गया, मतलब प्यार हो गया। हाँ, वो ये नहीं कह रहा कि उसका फिल्म मेकिंग पैसन है, बट नॉट लेस देन पैसन। हाँ, और अभी तक वो अपनी वीडियोज़ को मोबाइल से ही एडिट करता है। मैं मोबाइल एडिटिंग को कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मसला ये आता है कि आपको मोबाइल एडिटिंग में बहुत सारे लिमिटेशंस मिलते हैं, आपको लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं। और आपको एक ही ऐप में सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं, सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आपको अलग अलग ऐप ट्राई करना पड़ता है, जिसके कारण टाइम बहुत लगता है और पिक्सल्स फटते हैं वीडियो के, जो कि आपके फिल्म मेकिंग में गड्ढे लाते हैं और स्पीड ब्रेकर लाते हैं। और पीसी एडिटिंग में बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। आपको सारे फीचर्स, सारे ऑप्शन एक ही ऐप में मिल जाते हैं, जिसके कारण आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना पड़ता, आपके पिक्सल नहीं फटते, आपके टाइम बचते हैं और वीडियोज़ भी अच्छी बनती है। और आपके फिल्म मेकिंग का जो आपका रास्ता है, जर्नी है, उसमें ना कोई स्पीड ब्रेकर आता है, ना कोई गड्ढे आते हैं। ओके, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई बॉट कंप्यूटर। वन क्वेरी स्टिल अलाइव, व्हाई डिड यू परचेज गेमिंग कंप्यूटर इंस्टेड एडिटिंग कंप्यूटर? पापा, बात तो सही है, कहीं मैं वर्क के पीछे, पैसन के पीछे और एडिटिंग के पीछे अपना खुद का एंटरटेनमेंट तो नहीं ढूंढ रहा। तो मैंने गेमिंग कंप्यूटर क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा, ठीक है? तो देखो, गेमिंग कंप्यूटर और एडिटिंग कंप्यूटर में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है GPU का। हाँ, मतलब GPU मेन है, लेकिन और भी चीज़ों का फ़र्क हो सकता है अगर आप चाहें तो। जैसे कि थोड़ा सा लो सस्ता प्रोसेसर ले सकते हैं आप, ठीक है, और i3 या फिर Ryzen 3, ये सब ठीक है। और क्या बोलते हैं, रैम का, मेरे में 16 GB रैम है, आप 8 GB रैम ले सकते हैं, 8 GB ना कि 8 GB, अभी सुनाई दे रहा हो, ठीक है? और अगर बजट थोड़ा ज़्यादा टाइट है तो आप 4 GB रैम भी ले सकते हैं। ओके, अब GPU का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा एनहेंस करता है। ओके, अब अगर मैं GPU नहीं लगवाता मैं अपने कंप्यूटर में, तो ये कंप्यूटर मेरे को कितने का पड़ जाता, 35K, 40K अराउंड, 45K अराउंड। ओके, तो वही 15-20 हज़ार रुपये ऐड करने से अगर मेरे पास एक अच्छा सेटअप हो जाता है गेमिंग का भी, जिसमें मेरा मनोरंजन भी हो जाए और मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर पाऊँ और गेम वेम के थोड़े सस्के मजा चस्का जो भी चल रहा है आजकल वो सब भी कर पाऊँ, तो क्या बुराई है? और इसमें एडिटिंग भी और अच्छी होगी और गेमिंग एनहेंसमेंट तो है ही बढ़िया। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने ये लिया। ओके, बट अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है या ज़्यादा है तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ले सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूँ, अगर आपको जानना है एडिटिंग पीसी के बारे में या फिर गेमिंग पीसी के बारे में आपको लेना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्राइवेसी चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, आप मुझे वहाँ DM कर सकते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रो हो गया उस चीज़ में, बट हाँ, मैंने लिया है, एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज है, मुझे चीज़ों के बारे में मालूम है, पता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है? आपके कुछ पैसे बच सकते हैं या फिर आप थोड़े से पैसे और लगा करके, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? दैट इज़ द ओनली रीज़न आई बॉट गेमिंग कंप्यूटर। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है, बहुत टाइम बाद स्टोरी वीडियो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रोहन्स वाइफ, दिस इज गेम, पीस आउट। लेट मी एक्सप्लेन, मजा आ रहा है। सितारों की महफिल में गूंजे का ताराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना, हर दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया मिलने दोबारा। बात तो सही है, कहीं मैं वर्क, पैसन और किसी ने मेरे से वो सवाल पूछ लिया जो मैं चाहता कि कोई नहीं पूछे, मैं घबराता हूँ उस सवाल में, इनसिक्योर, अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, पूछ लिया मेरे से, मेरी फट रही है।